नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। एक और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आप सभी के बीच में हाजिर। कौशल रोजगार निगम से संबंधित अभी अभी बहुत से कैंडिडेट के पास एक मैसेज भेजा जा रहा है, एक अर्जेंट मैसेज आया है। क्या है इसके पीछे का असली राज, आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो साथियों, जब से यह SMS आया है और तभी से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं साथियों के, बोल रहे हैं सर इसके बारे में बता दीजिए क्या आया है, क्या इसका मतलब है। तो जब SMS आया है फिर हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की है। पहले आपको दिखाते हैं क्या मैसेज भेजा गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से कैंडिडेट। ये SMS आया है सभी के पास तो नहीं, लेकिन 80% कैंडिडेट के पास ये SMS देखने को मिला है। और जब से ये SMS जिन के पास आया है, फ़ोन आ रहे हैं लगातार, तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट डियर कैंडिडेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट यूर एक्सपीरियंस डिटेल ऑन हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह हो सकता है कि अब आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है उसकी अपडेशन हो रही है। तो क्या आपका एक्सपीरियंस अप्रूव हुआ है या नहीं, तो आप यह देख सकते हैं साइट पर जाकर। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ही यह SMS आया, मेरे एक साथी का मैसेज आया, हमने तुरंत ही साइट को अपडेट किया, फ़ोन नंबर के साथ लॉगिन किया। और जो उसका स्टेटस है अभी के लिए, तो उसका स्टेटस पहले वाला ही है। तो इसके बारे में भी कन्फर्मेशन यह नहीं हो पा रहा है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी के लिए आप इसमें कोई छेड़खानी न करें, आप ज़्यादा चिंतित न हो, परेशान न हो, इसका आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम जाग चुका है, जिनके एक्सपीरियंस पेंडिंग है, अप्रूव नहीं हुए हैं, अब वो अप्रूव होने वाले हैं। तो एक मैसेज के द्वारा आपको भी अब जगाने की कोशिश हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने की है। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर, जैसे कि मैंने ये मैसेज आया है और साथ ही फिर हमने OTP के साथ इसको लॉगिन किया। OTP के साथ जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, तो जैसे ही हमने साथ ही OTP के साथ लॉगिन किया तो इसमें कोई भी हमें फेरबदल नहीं दिखा है। ये सब कुछ पहले वाला इसने शो किया है, PF नंबर वगैरह वगैरह, और ये यहाँ पर इन प्रोसेस ही अभी दिखा रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि अभी तक जिनका कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन हुआ है, और आज जो मैसेज बहुत से साथियों के पास आया है, इसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। जैसे ही इसका कोई भी रिजल्ट आपको या मुझे जानकारी मिलेगी, देखने को मिलेगा, अप्रूव, रिजेक्ट या जो भी, तो आपको वीडियो के माध्यम से वो जानकारी भी दे जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को आगे भी शेयर करें।